संयोजक का भी मन है। एक बड़ी महत्वपूर्ण और विशिष्ट कविता है रेल यात्रा। हालांकि इनकी एक कविता है अलग अलग रसों का किस प्रकार वर्णन होता है। संयोजक जी का भी मन है और मुझे लगता है कि वरिष्ठता के नाते उनकी एक रचना का पाठ और होना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी भी कह रहे हैं सबका मन है। एक प्रतिनिधि कविता के लिए आप लोग थोड़ा सा मन दीजिएगा, स्वागत कीजिएगा आदरणीय मनोहर मनोज जी का। एक बार सारी जनता की ओर से जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मनोहर मनोज जी। मित्रों, हमारा जीवन दो बातों से प्रभावित होता है, एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। आदमी जिस वातावरण में रहता है उसका आदि हो जाता है। हम कभी लोग इतनी रेल यात्रा करते हैं कि पूरा जीवन रेलमय हो चुका है, वो पूरी आदत में आ चुका है, दिनचर्या में आ चुका है। इस पर एक कविता है, स्वागत। मेरे लिए तो ये रेलवे मीनिया है, मेरी पत्नी के लिए रेलवे फोबिया है। सुनिएगा। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए, उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। शाम अटैची को साकल से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं, वाह, चप्पलें सरहाने रखते हैं, कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, क्या बात है? उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया, टेप रिकॉर्डर से अनूप जलोटा का कैसेट, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं, मूंगफली के छिलके, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मैं इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर खाते हैं, पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए, रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिड़काई, ये चिल्लाए जंजीर खींचूं। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे, उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया, उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया, छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतार कर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया, उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं, मैं कहती हूँ ठहरो बेटा गया है तो वहीं लाइन लगाते हैं, समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं, हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को रेलवे कंपार्टमेंट बना दिया है,
इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोच के डरते हैं, और ये सात जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए, और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी ना बनाए, पत्नी ना बनाए, पत्नी ना बनाए।